सर कैमराज में देखा। मेरा नाम फूल है, मैं श्रीनगर अनंतनाग की हूँ, 46 के सांगस। तो हम अब इधर सालनताला में, मैं इधर सालनताला में रहती हूँ। हमारा वोट आज इधर है, पहला वोट मैंने डाल दिया इधर। तो हमारा मुद्दा है यही कि हमारे को वापस ले जाएंगे, हमारा अपना राजपाट वापस मिल जाएगा। क्योंकि हम तो वोट हर बार डालते हैं, क्या पता अब बोलते हैं कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालते, मगर कश्मीरी पंडित सारे वोट डालते हैं, वो बात नहीं है। हम कल से इधर 8:30 बजे तक इधर रहे, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम रखा इधर, वो बात भी नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी है, मगर वो जो हमारे जो इधर किराया पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, उनका कोई इंतज़ाम नहीं है। उधर अंदर गलियों में है तो वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमने अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ भी रखी है उनके लिए। किन मुद्दों के आधार पर इस पर वोट दिया आपने? हमने वोट इसलिए दिया कि गवर्नमेंट हमारा कुछ करेगा ना, हमारे पास क्वार्टर है ना, हमारे पास कुछ है, यानी कि 50% वालों को क्वार्टर दिए हैं। 50% वाले ऐसे ही बेकार है बेचारे, जिनको दो दो लड़कियां हैं, वो इस पर रिलीफ पर चल रहे हैं, रिलीफ भी नहीं बढ़ाया उन्होंने। अब हमें यही उम्मीद है कि रिलीफ भी बढ़ाएंगे, सब कुछ मिलेगा तो कश्मीर भी वापस जाएंगे। 37 छपैया, और मेरा नाम रमेश कुमार कोल है। तो 37 तो मैं भी वोट डाल के आया हूँ। मेन तो विकास और सुरक्षा मेन चीज़ है, जो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें विकास मिलना चाहिए। तो साथ में जो आपको पता है माइग्रेंटों का मेन जो मुद्दा है कि हमें विस्थापित किया जाए कहीं, हम पिछले इतने सालों से दर बदर भटक रहे हैं, तो इस चीज़ का दे हम तो ये सोच के दे रहे हैं। से जम्वाला है, एज ए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट रहते हैं हम, उधमपुर माइग्रेंट हमारा यह कैंप है इधर भद्रवालिया में। तो हमारे जो इशू है, हमारा जो माइग्रेंट का कश्मीरी जो यहाँ पे सब अपने कश्मीर से जो 90 से आए हुए इधर, हमारे लिए कोई काम नहीं है, कोई नौकरी का कोई धंधा नहीं अच्छा है, कोई प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब भी ऐसा है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें कोई सैलरी का कोई इतना इनकम नहीं है। 6,000-7,000 रुपये काम करते हैं हम, बच्चे हमारे यहाँ स्कूल जाते हैं, खर्चा जो भी है अपना घर का जो भी क्या सोच के अपना देखते हैं, जो अच्छा करेगा तो उसे कोई देंगे वोट। है